हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यमी लाइफ। सो दिस इज पूजा और आज मैं आपके लेके आई हूँ यमी सी खिचड़ी की रेसिपी। सो अगर आप सिंपल से खिचड़ी जो है खाकर बोर हो गए हैं तो इस तरीके से बनाइए खिचड़ी और आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। सो इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। सो ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने सबसे पहले लिया है एक प्रेशर कुकर, आपको ले लेना है और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा घी। सो लगभग जो है एक बड़ा चम्मच मैंने डाल दिया है घी और उसी उतनी ही क्वांटिटी में जो है यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ रिफाइंड ऑयल। सो घी आप जो चाहें तो प्रॉपर जो है घी भी ले सकते हैं और प्रॉपर जो है चाहें तो खाली रिफाइन ऑयल भी डाल सकते हैं। सो दोनों चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी डाल दी है और अच्छे से जो है इसको कर लेंगे गरम। जब ये अच्छे से गरम हो जाए सो हम इसमें अब डालेंगे बाकी की चीज़ें। तो बहुत ही वेजीज वाली जो है खिचड़ी हम यहाँ पे बना रहे हैं और बहुत ही पसंद आने वाली है आपको और बहुत ही इंस्टेंट बनकर तैयार भी हो जाएगी। तो एक चम्मच जो है मैंने यहाँ पे डाल लिया है जीरा और 5 से 6 जो है लहसुन की कलियाँ मैंने जो है फाइनली चॉप करके जो है वो भी यहाँ पे डाल दी है। लहसुन से टेस्ट और टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। सो लहसुन आप ज़रूर ऐड करिएगा। ये थोड़ा सा जो है पक जाए तो हम यहाँ पे डाल देंगे हींग। तो लगभग जो है आधी छोटी चम्मच जो है हींग यहाँ पे आप डालिए। हींग से भी जो है टेस्ट बहुत अच्छा आता है खिचड़ी में, तो हींग भी यहाँ पे ज़रूर ऐड करिएगा। तो ये 3 चीज़ें मैंने डाल ली है, साथ ही में मैंने डाल लिए हैं 2 जो है लाल मिर्च मैंने तोड़ के वो मैंने डाले। तो ये बेसिकली हो गया हमारे खिचड़ी का तड़का जो है हमने डाल दिया है। अब साथ ही में मैंने डाल दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के जो है प्याज, रफली चॉप करे हुए जो हैं वो मैंने डाल दिए यहाँ पे। बहुत फाइनली चॉप आपको नहीं करना है, रफली जो है लंबी शेप में जो है इस तरीके से चॉप कर लेना है और इसको जो है कुछ देर हम पका लेंगे। हल्का सा जो है थोड़ा सा डार्क ब्राउन सा इसमें कलर सा जब आ जाएगा, जब थोड़े हल्के क्रिस्पी दिखने लगेंगे आपको जो प्याज है, तब तक इसको पकाना है। तो ये हमने पका लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ आधी छोटी चम्मच जो है हल्दी पाउडर, आधी चम्मच के करीब ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ धनिया का पाउडर और साथ ही साथ जो है आधी छोटी चम्मच मैं यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। मिर्च जो है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे ले लिया है गरम मसाला। तो ये जो मसाले हैं नॉर्मल मसाले जो हम हर सब्जी में यूज़ करते हैं वो यहाँ पे आपको डाल लेना है और इसको भी जो है हम पका लेंगे मसालों को अच्छे से, ताकि इसका कच्चापन नहीं आए हमारी खिचड़ी में। तो ये देखिए अच्छे से पक चुका है, कुछ देर और उसको पका लेंगे हम। और ये पकने के बाद अब हम यहाँ पे डाल देंगे हमारे टमाटर। तो 2 बड़े साइज़ के नहीं हैं, ये मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, तो मैंने इसे भी रफली जो है काट लिया है और इसको भी हम पका लेंगे अच्छे से यहाँ पे। टमाटर जो है अभी विंटर का टाइम चल रहा है तो देसी टमाटर आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही खट्टे होते हैं और उससे टेस्ट जो है किसी भी सब्जी में आप डालोगे तो बहुत अच्छा सा आता है। इवन खिचड़ी में भी जो है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो वो टमाटर जो है देसी टमाटर बेसिकली वो मैंने यहाँ पर डाले हो। और यहाँ पर जो है मैंने डाली है मटर। सो लगभग जो है एक कटोरी जो है नॉर्मल साइज की जो कटोरी घर में होती है वो मटर है। सब्जियाँ जो है वेजेस जो हैं आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मैं वेजेस डाल रही हूँ भरपूर। तो टमाटर डाल दिया है, मटर डाल दिया है, अब हम यहाँ पे डाल देंगे आलू। आलू के साथ ही साथ यहाँ पे मैं डाल दूँगी गाजर। सो गाजर भी मैंने इस तरीके से जो है काट लिया है और आलू भी उसी शेप में काट लिया है और इसको भी जो है हम कुछ देर पका लेंगे। तो ये 2-3 सब्जियाँ जो हो गई वो हमने ऐड कर दी है और साथ में अब जो है जिससे स्वाद और अच्छा आ जाता है खिचड़ी में वो है चने की दाल। चने की दाल को मैंने लगभग जो है आधा 1 घंटे के करीब भिगो के रख लिया था बनाने से पहले। तो आप भिगो के रख लें ताकि जो है खिचड़ी के साथ जब हम दाल इस डालें तो ये जो है दाल भी जो है अच्छे से पक सके। तो ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स करके कुछ देर जो है ओपनली इसको पका लेंगे इस तरीके से। और आप देख सकते हैं देखने में कितना कलरफुल लग रहा है, बिकॉज़ हमने अलग अलग वेजेस इसमें डाले हैं। ग्रीन कलर हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, येलो वाइट सारे कलर जो है आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो थोड़ा ढक के हम पका लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अभी इस स्टेज पर जो है हमारी सब्जियाँ ऑलमोस्ट तो नहीं लेकिन कुछ हद तक पक गई हैं, मसाले अच्छे से पक गए हैं। तो यहाँ पे जो है अब हम डाल लेंगे हमारे जो राइस जो हैं वो हम यहाँ पे डाल लेंगे। तो इसे एक बार और चला लूँगी मैं इसको इस तरीके से। और ये देखिए ये
मसाले जो हैं अच्छे से पक चुके हैं सब्जियों के साथ, सब्जियां अच्छे से मिक्स हो गई हैं मसालों के साथ। तो अब ये स्टेज है जहाँ पे हम डालेंगे राइस। तो जो जितना मैंने जो है दाल लिया था चने का, उतनी ही क्वांटिटी में मैंने राइस भी लिया है। राइस बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, तो जो भी कटोरी आप मेजरमेंट के लिए यूज़ करें उसी हिसाब से जो है चावल भी उतने ही डालें। चावल जो है कोई बासमती या आपको अलग से राइस नहीं लाना है, जो नॉर्मल राइस जो आप घर में यूज़ करते हैं वही राइस जो है आप इसमें डालिए। उसी राइस की जो खिचड़ी है बेसिकली अच्छी बनेगी। तो ये राइस मैंने धो लिया था, धो के मैंने इसको डाल दिया है। इसे भी मिक्स कर लिया है अच्छे से ताकि मसालों के साथ अच्छे से ये मिक्स हो जाए। और थोड़ी देर और लगभग जो है एक दो मिनट और जो है इस तरीके से चलाने के बाद अब हम यहाँ पर डाल देंगे पानी। तो पानी का मेज़रमेंट आपको किस तरीके से लेना है, जैसे मैंने डाला है एक कटोरी दाल एक कटोरी चावल, तीन कटोरी के करीब जो है तीन साढ़े तीन कटोरी आप यहाँ पे पानी लीजिए। बिकॉज हम यहाँ पे खिचड़ी बना रहे हैं राइस नहीं बना रहे हैं, तो थोड़ा हमको जो है पतला ही थोड़ा वाटर ही चाहिए क्योंकि खिचड़ी है ये, तो उस हिसाब से पानी की क्वांटिटी जो है थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। या तो आप जैसे चावल बनाते हैं चावल में जितना पानी आप डालते हैं उससे 1/4 या हाफ जो है अमाउंट एक्स्ट्रा डालिए खिचड़ी के लिए। तो ये देखिए सीटी मैंने लगभग दो सीटी आपको लगा देनी है, और जब ये विसल जो है पूरी तरीके से बंद हो जाए बजना तभी आपको जो है आपको अपना प्रेशर कुकर खोलना है। उससे पहले मत खोलिएगा, नहीं तो चावल जो है वो कच्चे हो सकते हैं या अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं। तो ये दो सीटी के बाद देखिए ये हमारी जो खिचड़ी है बनकर तैयार हो चुकी है। इसे हम कर लेंगे सर्व, और मैंने इसे कर लिया है इस तरीके से सर्व। आप देख सकते हैं देखने में कितनी अच्छी लग रही है, बना के देखेंगे और खा के देखेंगे तो उतनी ही अच्छी लगेगी। तो इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, और होप आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी रहेगी रेसिपी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।